तो हेलो हेलो भाई लोग, आप लोग सभी कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी जरूर से बढ़िया रहना। सामने का छोटा सा क्लिप आप लोगों ने देख ही लिया होगा और आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पर होने वाली है आज की वीडियो। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस टॉपिक पर होने वाली है आज की वीडियो। तो बेसिकली आप लोगों को छोटा सा जो क्लिप देखा वो पीएन जेम्स का था और बहुत सारे बंदे पीएन जेम्स को जानते हैं और बहुत सारे पीएन जेम्स को जानते नहीं। तो जो जानते नहीं उन्हीं के लिए छोटा सा क्लिप है, इसको सुन लो, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि जेम्स कौन है। समझो, लेकिन जो बंदा पीसी पे खेल रहा है ना उसको सब पता है कि भाई कैसे क्या क्या होता है। और रही बात जेम्स की, तो जेम्स ज्यादा मेरे को नहीं लगता कोई जानता होगा अभी के टाइम में पीसी के बारे में। उसको सारे हैक पता है पीसी के, रेजिट से लेकर तुम जो बोलोगे बता देगा, तुमको करके दिखा देगा, बल्कि वो इतना जानता है इन चीजों के बारे में। जो पीसी प्लेयर्स के ऊपर एक्सपोज वीडियो में बनाता हूं ना, उसका अधिकतर प्रूफ मेरे को जेम्स ही लाके देता है। अगर जेम्स ने यहां पे गेम प्ले की जगह एक्सपोज वीडियो बनाया होता ना, सही बता रहा हूं, जो पीसी में खेल रहे ना अभी इंडिया के प्लेयर्स जो अपने आपको प्रो बोलते हैं, उनमें से 90% प्लेयर की जो जिंदगी है छोड़ो करियर खा जाता है जेम्स अकेले। तो अभी आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पीएन जेम्स कौन है। अगर फिर भी नहीं पता तो वीडियो को देखते रहो, धीरे धीरे मैं वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों ने एक छोटा सा क्लिप तो देख ही लिया होगा जिसमें भाई बंदा स्कोपिंग करके हेडशॉट मार रहा है और 100 में से 70% बंदे ये वीडियो को ऑलरेडी देख चुके हैं क्योंकि ये एक साल पुराना वीडियो था। और इस वीडियो के बाद इस बंदे को मतलब पीएन जेम्स को बहुत ज्यादा हेट मिला और इतना ज्यादा हेट मिला कि तब के टाइम भाई इसकी पूरा एकदम लेटा के सुला के एकदम मार दिया गया था। और अभी भी बंदे लोग भाई इसको इतना ज्यादा हेट देते कि क्या ही बोलूं। बट इस क्लिप के पीछे जो बिहाइंड द सीन है या बिहाइंड द स्टोरी है आप लोगों को नहीं पता, बट मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनना। तो ये कहानी स्टार्ट होती है आज से 2 साल पहले जब स्काई भाई नया नया हैकर को एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिए, तब के टाइम की ये बात है। तब के टाइम गाइस जो रैंक पुश था उसमें बहुत ज्यादा मजा आता था और रैंक पुश का बहुत ज्यादा वैल्यू था तब के टाइम। और तब के टाइम पीसी भी अनबैन था और मोबाइल प्लेयर्स और पीसी जो प्लेयर्स थे ये सब ना हैक वगैरह यूज करके मतलब रैंक पुश स्टार्ट कर दिए। तो क्या हुआ, स्काईलॉर्ड भाई ने इनको एक्सपोज करना स्टार्ट किया और इतने ज्यादा खतरनाक प्रूफ देना स्टार्ट किया कि इन लोगों का सामने से पूरा फट के हाथों में आ गई और इन लोगों का आईडी बैन होना स्टार्ट हो गया। आप लोग अगर स्काईलॉर्ड भाई का 2 साल पुराना वीडियो देखोगे तो जितने भी नीचे का वीडियो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर देख रहा है, जितना भी हैकर के बारे में प्रूफ दिया गया है, जितना भी पीसी हैकर या जितने भी मोबाइल हैकर है उनको जितना भी एक्सपोज किया है, तो सारा कुछ जो प्रूफ लाके देता था वो पीएन जेम्स लाके देता था। क्योंकि तब के टाइम हम लोगों को ना कुछ पता था नोड रिकॉइलिंग क्या था, रेज क्या है या एम्बोट क्या है, कुछ भी नहीं पता था। बट पीएन जेम्स को तब के टाइम इतना ज्यादा नॉलेज था ये हैक के ऊपर, नो रिकॉइलिंग के ऊपर, रेज के ऊपर या आप लोग बोल सकते हो कि एम्बोट के ऊपर। इसीलिए स्काईलॉर्ड भाई को जितना भी हैकर के बारे में प्रूफ वगैरह चाहिए था वो पीएन जेम्स लाके देता था स्काई भाई को। ये बस मैं खुद नहीं बोल रहा, अपने मन से नहीं बोल रहा, ये स्काई भाई ने खुद बोला। आप लोगों ने वो छोटा सा क्लिप देख लो, उसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जेम्स की, तो जेम्स ज्यादा मेरे को नहीं लगता कोई जानता होगा अभी के टाइम में पीसी के बारे में। उसको सारे हैक पता है पीसी के, रेजिट से लेकर तुम जो बोलोगे बता देगा, तुमको करके दिखा देगा, बल्कि वो इतना जानता है इन चीजों के बारे में। जो पीसी प्लेयर्स के ऊपर एक्सपोज वीडियो में बनाता हूं ना, उसका अधिकतर प्रूफ मेरे को जेम्स ही लाके देता है। अगर जेम्स ने यहां पे गेम प्ले की जगह एक्सपोज वीडियो बनाया होता ना, सही बता रहा हूं, जो पीसी में खेल रहे ना अभी इंडिया के प्लेयर्स जो अपने आपको प्रो बोलते हैं, उनमें से 90% प्लेयर की जो जिंदगी है छोड़ो करियर खा जाता है जेम्स अकेले। तो अभी बहुत सारे बंदे आके बोलेंगे भाई कि तू स्काई भाई को इस वीडियो में डाल रहा है क्योंकि तू व्यूज चाहता है इसलिए। देखो मैं कहीं पर भी स्काई भाई का फोटो वगैरह नहीं लगाया कि मेरे को व्यूज चाहिए। बस जो देखो जो चीज़ क्लियर करना है वो क्लियर करना है। अगर स्काई भाई हमारे बीच अगर होते तो ये सब मुझे करना नहीं पड़ता, स्काई भाई पहले ही कर देते। तो अभी के टाइम किसी को ना किसी को ये जो मैटर है वो क्लियर करना है, तो इसी के लिए तुम्हारा भाई आ चुका है इस वीडियो में क्लियर करने के लिए। तो स्काई भाई को जितने भी प्रूफ्स वगैरह जेम्स देता था उसका तो आप लोगों ने वॉइस तो सुन ही लिया होगा। अभी बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भाई वॉइस तो एडिट किया भी हो सकते हैं कि और कोई प्रूफ दिखा दो। तो और कुछ प्रूफ के लिए आप लोगों को सिर्फ मैं सीधा दिखा देता हूं कि जेम्स ने जब स्काई भाई से चैट वगैरह किया था, चैट वगैरह में बात करता था, उसका मैं आप लोगों को छोटा सा क्लिप स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, जहां पर आप लोग देख सकते हो साफ साफ कि स्काई को मतलब स्काई भाई को जेम्स बहुत कुछ भेजता था मतलब प्रूफ्स के लिए, जैसे कि नो रिकॉइल, रेज वगैरह सब कुछ, जितना भी डिटेल्स होता था हैक के बारे में, पीसी हैक बोलो या मोबाइल हैक बोलो, सारा कुछ जेम्स ही भेजता था। अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर जो गेम प्ले देख रहे हो ये बेसिकली पीएन जेम्स का है और ये जो गेम प्ले है 1 साल पुराना है। बहुत सारे बंदे जानते हैं और बहुत सारे बंदे नहीं जानते, बट जो जानते हैं उन लोगों को भी ये भी पता होगा कि तब के टाइम पैनल वगैरह जो सीन था वो बहुत ज्यादा चल रहा था और ये जो गेम प्ले है पैनल का ही गेम प्ले है। और इतना ज्यादा पैनल का गेम प्ले मतलब चल रहा था कि चारों तरफ की वीवाइज यूट्यूबर बोल लो पैनल लगा के खेल रहा है या कोई नॉर्मल प्लेयर बोल लो पैनल लगा के खेल रहा है। और कम्युनिटी पे भाई पैनल इतना ज्यादा फैल गया था कि फ्री फायर कम्युनिटी पे पूरा मां बहन एक हो गई थी एक टाइम पे। ये सारा कुछ रोकने के लिए
लिए स्काई भाई ने जेम्स से प्रूफ मांगा और जेम्स ने क्या किया, सारा कुछ प्रूफ रेडी कर रहा था बट इसने एक गलती कर दी। ये जो वीडियो का क्लिप था ये स्काई भाई को देना था, इसने क्या किया गलती से अपने मॉन्टेज में डाल दिया। उसके बाद इस बंदे को इतना ज्यादा हेड मिला, इतना ज्यादा हेड मिला कि बंदे को अभी तक हेड मिल रहा है। और गाइस पर्सनली मैं जो जानता हूं, ये बंदा इतना ज्यादा डीमोटिवेट हो गया था कि बंदे को इतना ज्यादा हेड मिला कि बंदे ने भाई गेम ही खेलना ही छोड़ दिया। 4-5 महीने के लिए बंदा पूरा एकदम गायब ही हो गया। जब तक पीएनजेएस फ्री फायर कम्युनिटी पे वापस आया है तब तक आप लोगों को पता है कि स्काई भाई का क्या सीन हुआ था, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता है। अगर स्काई भाई होते तो अभी के टाइम तो ये जो सारा मैटर था वो सॉल्व हो जाता था और आप लोगों को और भी बहुत सारे कुछ पता चल जाता। जैसे कि आप लोगों को आईफोन के बारे में पता चल जाता कि आईफोन में कितना ज्यादा रेड नंबर कैसे लगते हैं, बंदे इतना ज्यादा प्रो कैसे बन जाते हैं, आईफोन में क्या सेटिंग लगाते हैं, क्या रेंज लगाते हैं, सारा कुछ भाई अगर स्काई भाई होते तो सारा कुछ आप लोगों को पता चल जाए। आप लोगों ने भी जेम्स को इतना ज्यादा हेट दिया, इतना ज्यादा हेट दिया कि भाई हेट देना जरूरी है, कभी कभी होता है कि थोड़ा मोरा हेट देना जरूरी होता है, बट यार अभी तक हेट दे रहे हो तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता ना कि बंदे को जितना ज्यादा आप लोग भाई डीमोटिवेट कर दिया कि बंदे ने भाई एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार नाम चेंज कर दिया अपने चैनल का भी, गेम का भी। तो समझ रहे हो ना, चैनल का अगर नाम चेंज करते हो कितना ज्यादा इफेक्ट होता है। पहले तो रखा था पीएन जेम्स, उसके बाद फिर से जेम्स, उसके बाद मर्सी, और अभी के टाइम अगर आप लोग देखोगे तो सानिन रख दिया। पीएन जेम्स का जो क्लिप था जिससे उसको बहुत ज्यादा हेड मिला, उसको उसके जो बिहाइंड द सीन है क्या सीन था, मैंने सारा कुछ आप लोगों को क्लियर कर ही दिया। और अभी भी अगर हेड देते हो, अभी आप लोग उसको हेड देते हो, तो ये मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये हेड देना बंद कर दो, क्योंकि देखो सबको सुधारने का एक मौका देना होता है तो इसको क्यों ना दिया जाए। इसने क्या कर दिया, ये भी तो इंसान ही है ना, इसने भी एक गलती कर दिया तो इसको भी माफ किया जाए। अगर इन फ्यूचर ये कोई गलती करता है तो सबसे पहले तुम्हारा भाई इसको एक्सपोज करेगा, ठीक है, तो इसका टेंशन मत लो। बट ये जब बंदा इतनी बार अपना चैनल का नाम चेंज कर चुका है, ये अपने वीडियो में खुद 3-4 बार खुद ही भाई एक्सेप्ट कर चुका है कि ये बंदा इन फ्यूचर, मतलब पहले पास्ट में इसने बहुत सारी गलती किया, इन फ्यूचर ये कोई गलती नहीं करे, इस बंदे को भी एक मौका दे दो सुधरने का। फिर भी अगर अभी के टाइम भी अगर आप लोग इस सारा कुछ देखने के बाद अभी भी आप लोग अगर जेम्स को हैकर बोलते हो तो ये छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए। तो Smooth444 कौन है ये आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, एनजी गिल्ड का ही एक खतरनाक सा प्लेयर है जिसको आप लोग बहुत खतरनाक प्लेयर मानते हो। देखो अगर आप लोग पीएन जेम्स को मतलब माफ कर देते हो, ठीक है, इस वीडियो के बाद या आप लोग कोई हेड ना देते हो तो अपकमिंग टाइम में इतने बड़े बड़े गिल्डों का भाई, इतने खतरनाक खतरनाक प्लेयर जिसको आप लोग मानते हो, उसके पीछे का जो काला चिट्ठा है वो आप लोगों के सामने तुम्हारा भाई जल्दी ला देगा, ठीक है। अगर पीएन जेम्स को हेड मिलना बंद हो गया, हेड की जगह प्यार मिलना स्टार्ट हो गया, तो आप लोग को इतने ज्यादा खतरनाक खतरनाक प्लेयर के एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाएगा ना कि आप लोग भाई सोच भी नहीं सकते कि भाई ये बंदा ऐसा कर सकता है। तो भाई यार जो बंदे डिजर्व करते हैं, जिनको आप लोग भाई मतलब सपोर्ट करना चाहिए, उसको बंदी को आप लोग गलत समझ लेते हो। जो बंदा आप लोग के सामने सच्चाई लाता है उसी को आप लोग गलत ठहर देते हो, तो भाई दिल से बुरा लगता है। तो आज का वीडियो इतना ही था, मैंने आई होप आप लोगों को सारा कुछ क्लियर कर दिया इस वीडियो के बाद। अगर फिर भी आप लोग नहीं समझे तो वीडियो को और एक बार देख लेना। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, लव यू ऑल।